राहुल गांधी है ये एक नंबर का चूतिया पट्टा। मुझे लगता है मोदी जी को भगवान नहीं भेजा है सच्ची में, तो अभी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी हर बार बाजी मारेगी, राम मंदिर जो इतने सालों से अटका था उस पर मोदी जी ने पूरा करवा दिया, राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर बन गया। तो मोदी जी इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे वो तीसरी क्या पांचवी छठवीं सब बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। लोग ये कहां जाएंगे, कांग्रेस समाजवादी में ये जाएंगे, भाड़ में, भाड़ में। योगी जी कैसे लगते हैं तुम्हें? योगी जी भी बहुत बड़ी आदमी है, पत्थरबाजी कर रहे थे, उनके घर तोड़वाए उनने, है ना, बुलडोजर से तोड़वाए, हमेशा बुलडोजर से ही काम करते हैं, इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं। ज्ञानवापी तो तोड़ी जाएगी, मथुरा में बनी जाएगा मंदिर। पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तानी आदमी को मारा था, है ना, और मोदी जी ने उनके सामने घर में घुस के मारा है, उन्हें पीछे से मारा तो मोदी जी ने एकदम सामने से मारा है। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ग्रेट आदमी है। ये बताओ, अभी 2024 में देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होना है, उस दौड़ में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी मुख्यतः रूप से हैं, तो आपको क्या लगता है कौन इस बार बाजी मारेगा? बीजेपी हर बार बाजी मारेगी, पूछने इतना अच्छा काम ही कर रही है बीजेपी। राम मंदिर जो इतने सालों से अटका था वो इस बार मोदी जी ने पूरा करवा दिया, राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर बन गया, ये कोई छोटी बात थोड़ी नहीं है। हर बार जीत जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर बार जीत जाएगी, हर बार बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी में क्या समस्या है? राहुल गांधी है ये एक नंबर का चूतिया पट्टा। ऐसा आपको क्यों लगता है? मतलब आप उनका वो वीडियो फोन में देखते हैं या आपको कोई बताया कि राहुल गांधी ऐसे हैं? मेरे पापा ने बताया है। क्या बताया आपके फादर ने आपको? मेरे फादर ने बताया वो एक नंबर का बेवकूफ इंसान है ना, उसने एक बार बंदूक उल्टी वो सीधी पकड़ने के बजाय उल्टी पकड़ ली थी, फोटो भी उसने दिखाया था, और वो है ही ऐसा, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, मोदी जी अगर देश के प्रधान, अच्छा मोदी जी के कार्यकाल में तो राम मंदिर हो गया, और तुमको क्या बढ़िया लगता है कि मोदी जी ने क्या किया, क्या सुना आपने 10 सालों में? मुझे लगता है मोदी जी को भगवान नहीं भेजा सच्ची में, है ना, तभी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी को भगवान ने भेजा है? हाँ, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें पता नहीं किसको चिल्ल मस्ती है जो कांग्रेस में घुस जाते हैं जाके। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेरोजगारी बहुत कर दिया, देश को गड्ढे में डाल दिया मोदी जी ने जब से आए। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई, लोगों के खर्चे ही बढ़ रहे हैं, है ना, महंगाई महंगाई कुछ नहीं आई है। तो मोदी जी इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं? अरे वो तीसरी क्या पांचवी छठवीं सब बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। और ये जो ये और लोग हैं ये कहां जाएंगे, कांग्रेस समाजवादी में? ये जाएंगे भाड़ में, भाड़ में। भाड़ क्या होता है? भाड़ जो भी हो, भाड़ो, ये वहां जाएंगे। अच्छा योगी जी कैसे लगते हैं तुम्हें? योगी जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, कभी तो बढ़िया क्या लगता है उनमें, उनका बुलडोजर बढ़िया लगता है? बुलडोजर बाबा कहते हैं उनको प्यार से। क्यों कहते हैं उनको बुलडोजर बाबा, पता है आपको? हाँ पता है। वो उस लोगों के घर, उनने मुसलमानों के घर जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनके घर तोड़वाए उनने, है ना, बुलडोजर से तोड़वाए, हमेशा बुलडोजर से ही काम करते हैं, इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं। अभी अयोध्या बनने के बाद ज्ञानवापी की बात चल रही है, उसके बाद मथुरा की बात चल रही है। ज्ञानवापी तो तोड़ी जाएगी, मथुरा में बनी जाएगा मंदिर। कहते हैं कि मोदी योगी ने हिंदुत्व का राजनीति किया है, हिंदुओं को अपने पाले में कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, लोग उनके काम को सराहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए लोग उनके पक्ष में हैं। राहुल गांधी आज अपने यूपी में घूम रहे हैं, अमेठी में घूम रहे हैं, अपनी यात्रा लेके जो भारत न्याय यात्रा वो कर रहे हैं, उसका बस खामा का वो कर रहे हैं, है ना, होना होना।